Hi guys, welcome back to yet another vlog and welcome back to the channel. So आज गाइस डबल ट्रबल वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रखी है. मतलब एक तो हमें लेके जाना है, मुझे आज लेके जाना है रिंकी मैम को डॉक्टर के पास एंड उनका आज बर्थडे भी है. सो आज बर्थडे सेलिब्रेशन तो होने वाला है क्योंकि मिस्टर या मिस बेबी से पहले ये आखिरी बर्थडे है रिंकी मैम का. तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बचाना चाहिए राइट. वैसे एक छोटी सी पार्टी हमने कल रात को कर दी थी, पहले आप वो देखो फ्री वापस आना. कैसी लगी गाइस वो वाली पार्टी? सो अब मैं लेके चलता हूँ एंड फिर रात को प्रोग्राम देखते हैं कि आज कैसा सीन बनता है, आज के दिन में और क्या क्या होता है. सो यू नो काफ़ी फन वाली सिचुएशन तो देखो रहेगी एंड एक्साइटमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. मतलब यार बस अब उस दिन का इंतजार है कि बस आ जाए. अब जो भी है मतलब देखने की बड़ी इच्छा हो रही है. आप बताओ अभी मेरे साथ मेरी जितना एक्साइटेड हो या नहीं हो, मतलब नहीं हो तो हो जाओ क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कुछ बेबी रिलेटेड कंटेंट ही आएगा क्योंकि दिल कर रहा है. एंड अभी कुछ डाइवर्सिफिकेशन होने वाली है चैनल पे बहुत ज़्यादा. अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि गैप पड़ रहे हैं चैनल पे, मतलब वीडियोस लेट हो रहे हैं थोड़े. सो वही एक रीज़न है. सो अभी काफ़ी ज़्यादा बैक एंड में मतलब बिहाइंड द कैमरा बहुत काम चल रहा है. सो गेट रेडी फॉर द यू नो न्यू स्टफ अराउंड हियर. सो चलते जरा लेके मैडम को. ओहो आज तो रिंकी मैडम के लिए मम्मी ने बनाया है खीर. वैसे ओवर एक्टिंग मेरी ज्यादा हो गई है. सो मम्मी कैसा लग रहा है? बर्थडे का खीर बनती है. ओहो क्या बात है. हैप्पी बर्थडे रिंकी. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. अरे खीर खाऊंगी फिर आशीर्वाद लूंगी. उसके नाम का भी एक और मजा आ गया. क्यों तुम्हें भी खिलाना? चलो अमूल आप भी आओ. डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? अच्छे से अच्छी बनी है, ठीक बनी है. बड़ा बुरा हाल है जी, बड़ा ही बुरा हाल है. टेडी बेयर हो गया ना तो मैं उसे दबोच लूंगा. देखो धुमा नहीं सोच लियो. टेडी यार थोड़ा तो गुगलू हो रही चाहिए बच्चे प्यारा प्यारा. इतना भी गुगलू ना हो ना कि फिर हम उसको खाते ही रहे सारा दिन, चबाते ही रहे उसको, हजारों दो करोड़ अरबों लाखों पुतिया मिल जाए. नॉट नाइस. हां चलो आज बर्थडे की खीर से शुरुआत हुई, अब आगे देखते हैं क्या क्या रिंकी को पसंद है. चलो फिर है ना, अभी आपको लेके जाना है डॉक्टर के पास. तैयार चल हो जाओ. ऐसे चलना है, ऐसे चलूंगी मैं. ठीक हाँ चलो हो जाओ, कमी शंगी कर लो. चलो आपका चेकअप करा के आते हैं फिर फटाफट से. ख्वाहिश देखो इसका आज बर्थडे है. ध्यान से देखो, ध्यान से. वो तो उड़ी रहेगी जब तक चूचा बाहर नहीं आ जाता. चूचा चूची गए बाजार, वहां से लाए रिंकी का अचार. अच्छा अमूल का अचार. अच्छा हाँ. अच्छा हाँ, अमूल का अचार खाना है तेरे को? नहीं मिलेगा. चलो नैनो भागो. हाँ जी, फिर क्या प्लान है आपके आज रात के? कल रात को हमने केक खिला दिया तो अब नहीं खिलाने वाले आपको केक, क्योंकि आपकी वजह से छोटा केक खा रहा है और वो मोटा हो जाएगा. हमें उसको मोटा नहीं करना आपके जैसे. ओके हो गया खुश, मोटा बोल के खुश. दो एक अप्पा चाहिए मुझे तो पांच फोल्ड वाला. मेरे जैसा खुश नहीं, मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा ही होएगा. मेरे जैसे ही होएगी. होएगी या होएगा ये देखो कैसे पता. जो भी होगा मेरे जैसा होगा. हो गया जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, शायद अपना चेकअप करा और फटाफट आ. ये मत बोलियो कि वहाँ पे वेटिंग है, बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा. ये बात समझ में.
गाइस आप लोग क्या चाहते हो, छोटे हैं छोटी, जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है? वेट कर रहा हूँ मैं आपका। लो जी इनकी मैम स्टॉप आ गया आपका, चलो गड्डी बंद करिए तो चलिए, जान निकाल रखी वैसे हमने छोटी सी नैनो की। चलो दो दो दो। चल रहा हूँ साथ में, टेंशन क्यों ले रही है। चलो जी काम अपना हो गया, ये आ गई हैं जी रिंकी मैम हमारी। सॉरी मैम कैसे रहा? सो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मिलने वाला है हमें, तो गाड़ी पे चलते हैं एंड वहीं पे सारी डिटेल देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड उसके बाद घर पे खब रोला मचाएंगे आज। मजा आ रहा, जिंदगी बढ़िया लग रही है? बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। कुछ कलर्स वलर्स डिफरेंट दिख रहे हैं क्या आजकल? ये वैसे ही दिख रहे हैं। हां वोमिटिंग्स बहुत हो रही है। हाय हाय गंदी, चल भाई। आपको रिंकी मैम भी बताने वाली है कि डॉक्टर जी ने क्या बोला है, क्योंकि मैं बताऊंगा ना थोड़ा अलग सा आपको लगेगा, तो रिंकी मैम बताएंगे ज्यादा डिटेल में आपको स्टोरी दे सकते हैं। तो हो जाओ शुरू, फिर अपना गोल मटोल मुना, सिर्फ उसका जाने के लिए नहीं है, बोलते भी होता है उससे। कुछ नहीं, बस कि सब ठीक है और थोड़ा ध्यान रखो, काम करो। काम रिंकी मैम तो काम को काम काम का के नहीं समझ आता रिंकी मैम। अच्छा ऐसा भी नहीं है? ऐसा तो है, ऐसा है क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही हुआ है, दिखाया था मैंने एक दिन क्या करती रिंकी मैम। तो पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं जिसमें से 15 घंटे सो के गुजरते हैं। और क्या बोला पहले, इस क्लियर सॉरी कहता है कि एवरीथिंग इज ओके, अब थोड़ा वॉक पे जाओ और परेशान नहीं होना ज्यादा, चिल मारो, स्ट्रेस नहीं लेना, मौज लेनी है बेसिकली, जितनी मौज लोगे उतना हैप्पी गो लकी बेबी होगा। अदरवाइज अगर स्ट्रेस ले लेके बेबी करोगे तो बेबी भी ऐसे ही पैदा होगा, क्यों कर दिया पैदा मुझे, क्यों अंदर ही रहने देता। और बिल्कुल हैप्पी रहना है और थोड़ा घर का काम करना है जिससे वॉक करनी है, बहुत जरूरी है, मूवमेंट चलती रहे और बस बैठे ऐसे बीमारों की तरह बैठे नहीं रहना, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जैसे काफी सारी मैंने लेडीज, मैं बोला नहीं चाहता, मैंने देखा है कि वो अपने आप को बड़ा बीमार कर देती है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। रिंकी मैं आपको ज्यादा क्लियरली बताएंगे, बट ऐसा कुछ है कि वो मेरे को थोड़ा वॉमिटिंग का ज्यादा इशू रहता है। हां वॉमिटिंग का तो बहुत इशू है, तो उस वजह से मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एकदम वीकनेस फील होती है। बस वही है कि सुबह शाम टैबलेट ले लो वॉमिटिंग का। वो बाय चांस अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है। वो मेरे को टैबलेट के बिना नहीं बनती मेरी कहानी, तो वो मुझे जरूर लेनी है टैबलेट। बाकी तो और सब कुछ सफिशिएंट है, गुड है, वेल एंड गुड है। फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं और सारे कॉम्प्लीमेंट्री अपना लेनी है, सप्लीमेंट्स लेने हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं। चलो शुक्र है मैडम को याद है। तो चलो अभी हम जा रहे हैं जरा कोई सुपरमार्केट, मैडम को जरा कुछ खाने पीने का सामान ले दें, क्योंकि आज थोड़ा यू नो कुछ है, आपको बता चुका हूँ मैं, बार बार थोड़ी बताता रहूँगा। चलो उठो निकलो, चलो happy birthday to you. Happy birthday.